नमस्कार, मैं हूं प्रीति शर्मा और अभी आप जुड़ चुके हैं हिंदी समाचार पत्र के साथ। आज के मुख्य समाचार। बीजापुर में आए दिनों काफी सुर्खियों में है राशन डीलर राशन डिपो की वो दुकान जो जिसमें सरकार द्वारा हर नागरिक को फ्री मिला जाता है राशन। आपको बता दें, लोगों में काफी गुस्सा है और लोगों का कहना है महीने में सिर्फ 4 बार खोलते हैं डिपो और इन डीलर्स का कोई टाइम टेबल तक नहीं, कब खुलता है और कब बंद होता है। जहां तक लोगों का ये भी कहना है कि राशन डिपो में राशन तोड़ने वाले हमको डंडा दिखाते हैं और TSO साहब से बात तक करने नहीं देते और ना ही जहां कोई देखने आता है। कुछ फीमेल में बुरी पूरी तरह से मारपीट तक जो है हो चुकी, जिसके कारण मीडिया द्वारा SHO खजूरिया जी से कुछ पुलिस कर्मी को राशन डिपो विजयपुर में भेजने के लिए कहा गया। ग्राउंड रिपोर्ट, जीरो प्रीति शर्मा, कैमरामैन पवन सिंह के साथ। यहाँ पे जो जितनी भी औरतें जहाँ पे खड़ी है, ये कह रही है कि आप लाइन में नहीं लगते हैं। लाइन में लगते कितने दिनों से जहाँ पे राशन पानी जो नहीं मिल रहा है, कितने दिन से जहाँ पे राशन नहीं मिला, कितने दिन से जहाँ पे राशन नहीं मिलता है, राशन नहीं मिल रहा है। पूरन सर, जहाँ पे इतना रश लगा हुआ है आप भी देख रहे हैं, काफी लोग आए हुए हैं, बहुत बार खबर भी लगी है, आपको पता बड़े बड़े न्यूज लगी है इस सिलसिले को लेके। क्या आप नहीं चाहते हो कि दीपू दो दिन, मतलब कि दो तीन जगह जिस हिसाब से आपको भी दिक्कत हो रही है इस मामले में, आप क्यों नहीं आवाज उठाते हो अपनी? जहाँ पे आए हुए हो क्यों आपको राशन पूरे टाइम पे नहीं मिल रहा? सर कितने से कितने बजे तक ये आज खुला रहेगा? आज 6 बजे तक खुला रहेगा, सभी लोगों को राशन मिल जाएगा? इनका कहना है कि लाइन में लगोगे तो राशन मिल जाएगा, 6 बजे तक खुला रहेगा। सर 6 बजे खुला रहेगा, अगर जिनको नहीं मिला राशन तो कल भी देंगे। सर 2 दिन से मतलब कि आप कहाँ पे राशन दे रहे थे? 2 दिन पहले राशन दिया था, कहाँ पे दिया, कहाँ दिया सर? ये लोग कह रहे दिया ही नहीं है, क्या कल राशन मिला है? राशन नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। आपको कोई मेरी बात सुनना, आपको कोई कंप्लेन है इनको? क्या कहना चाहेंगे आप ये बता दो, आपको इनसे क्या कंप्लेन है? आपको क्या कंप्लेन है बताओ ना, अलग आप क्या चाहते हैं, अलग अलग बात हो जाए? सर हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। आप चाहते हो बाकी आपको बता दें कि पुलिस के कर्मी जहाँ पे मौजूद हो चुके हैं और आप जनता देख सकते हैं, जनता भी अभी तक इनसे मतलब कि हैंडल नहीं हो सकी। सर क्या कहना चाहेंगे आपसे, तो जनता भी हैंडल नहीं हो पा रही। सर क्या कहना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से लोगों में काफी रोष बना हुआ है और लोग अपनी लाइन में खड़े नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर भड़कना है तो फिर अगर आपको पता है कि 2 पुलिसकर्मी जहाँ पे मौजूद नहीं, मतलब कि काम नहीं हो सकता था, 2-3 और भी आ सकते थे जहाँ पे, सर किस प्रकार से आप हैंडल कर पाएंगे? सर आप 1 मिनट तक करेंगे तब तक जहाँ पे बहुत ज्यादा झगड़ा शुरू हो जाएगा। सर सर देख लीजिए प्लीज, दोनों एक ही जगह पे मौजूद है और जहाँ पे लोग इनसे हैंडल नहीं हो पा रहे, आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों से लोग तो हैंडल हो नहीं पा रहे, पुलिस कर्मी सिर्फ जहाँ पे 2 मौजूद भेज दिए हुए हैं। तो TSO साहब भी ऊपर चले गए और ऊपर से आप पूरन जी को देख सकते हैं, पूरन ने अपना दोनों चीजें छोड़ दी हुई है पूरन ने, और कोई राशन पानी जहाँ पे मिल नहीं रहा, 6 बजे का इन्होंने टाइम दे दिया हुआ, हम देखते 6 बजे तक ये क्या करते हैं। आप कार से जहाँ पे लोग जनता भड़की हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? थोड़ा साइड से
जी सर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से लोग बहुत बढ़ती हुई है, इनका कहना है कि जहाँ पे जो है राशन नहीं मिल रहा है। तो मैंने पहले भी बोला कि एक्चुअली जहाँ पे थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से ये राशन इस तरह से पड़ा है जी, और मैंने इसका ऑलरेडी संज्ञान लिया है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जी, और नेक्स्ट मंथ से हम इसका प्रॉपर एक शेड्यूल बना रहे हैं जी, जिसमें हम कॉर्पोरेटर्स और चेयरमैन साहब और अदर जो जहाँ के प्रोमिनेंट पीपल्स हैं उनके साथ में पूरा कॉन्टैक्ट करके उनको वार्ड वाइज जो है और उनका एक टाइम शेड्यूल बनाएंगे ताकि वो सर कभी आप जहाँ पे आए हैं, सर कभी आपने जहाँ पे आके ग्राउंड लगाया है ग्राउंड रिपोर्ट देखी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, कब देखी आपने ग्राउंड? बेसिकली तो ये मेरा पहला ही मंथ है। हाँ जी, लेकिन मैं पहले भी एक दिन आया था, ठीक दिन तो इतना रश नहीं था, ठीक है। अब ये अचानक जैसे ये लोग आए हैं उनकी कुछ ग्रीवियंसेस हैं, तो जैसे एक तो बड़ी बात ये थी कि जब 13 जो वार्ड्स हैं प्लस कुछ गाँव इसके साथ अटैच हैं वो सारे इकट्ठे आने की वजह से ये दिक्कत जो आई है इसका समाधान निकालने के लिए अभी फिलहाल हम 2 दिन जो है ये इंश्योर करेंगे कि इन सबको राशन मिल जाए। परेशानी आ रही है सर काफी, वो जो पीछे हुआ है मैं उसके लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन ये है कि नेक्स्ट मंथ से एक तो वार्ड वाइज हो जाएगा, विलेज वाइज हो जाएगा, और एक हम टोकन सिस्टम सर जो अगर आपकी बात से मैं सहमत हूँ, जो लोगों की बातें हैं लोगों का कहना कि जे टाइम पे नहीं बोलते, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई। Gracias.